सोचिए कभी ऐसा हो कि आपका रिश्ता किसी के साथ पक्का हुआ हो, किसी के साथ आप साथ फेरे लेने जा रहे हो, किसी के साथ आप साथ जन्मों के बंधन में बंधने ही जा रहे थे कि शादी के दिन से पहले आपके घर पर कोई धमकी भरा लेटर चस्पा करके चला जाए, धमकी बारात को शमशान बना देने की। तो क्या कोई भी दूल्हा वो शादी करने जा पाएगा? क्या वो दूल्हा कभी भी कहीं भी बारात लेकर जा पाएगा? यही हुआ हापुड़ में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। दुल्हन के घर बारात लाने पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी गई है। दूल्हे के घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, दूल्हे राजा वो मेरी है, बारात लेकर मत आना नहीं तो शमशान बना दूंगा। कान खोल कर सुन लो मोंटू सिंह, दूल्हे राजा वो मेरी है, बारात लेकर मत आना नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा, बारात को शमशान बना दूंगा। जिस भाई को दावत के साथ गोली भी खानी हो वही बारात में आए। अभी ये सिर्फ हल्का सा ट्रेलर देकर जा रहा हूँ, बाकी फिल्म बारात में चलेगी। यार डिफॉल्टर, ये धमकी भरा मैसेज लिखकर दूल्हे के घर के बाहर और इलाके के आसपास कई जगह पर ये पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं। ये पूरा मामला जनपद हापुड़ के सिंभावली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव का है। इस धमकी भरे पोस्टर से गांव के सभी लोग परेशान हैं। पीड़ित दूल्हे जयसिंह ने थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। और ये घटना सिर्फ धमकी भरे पोस्टर लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बदमाशों ने तो दूल्हे के घर के आसपास पेट्रोल बम तक फेंके। जी, बदमाशों ने दूल्हे के पड़ोसियों के घर में फेंके पेट्रोल बम। ये घटना 27 और 28 जनवरी के रात करीब 2:15 बजे की बताई जा रही है। बदमाशों ने आस पड़ोस वाले घरों में पेट्रोल बम भी फेंके, जिनके फटने से दूल्हा और उसके परिवार की आंख खुल गई। इतना ही नहीं, अवैध कट्टे से 3 राउंड फायर भी किए गए, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। फिलहाल अब पुलिस भी इस मामले को लेकर एक्शन में आ गई है। एसपी अभिषेक वर्मा के आदेश पर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, थाना सिंभावली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं जयसिंह, उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र लगाया गया है, जिसमें उनके यहाँ जो हाल फिलहाल में उनके बेटे की शादी होने वाली है उसको लेकर के उनको धमकी दी गई, उनको उनके बेटे और परिवार को। इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही, जिसमें आपस में ही घर में प्रतिद्वंदिता होने कारण इस तरीके के कुछ ये जो पत्र है वहां लगा है। इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक छानबीन करी जा रही है और 2-3 सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ भी की गई है। जल्द इस बारात जानी, कभी ये बारात जानी है और क्या अगर ऐसा होता है तो बारात को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? देखिए, इसमें फरवरी के महीने में इनके यहाँ शादी होनी है और इसमें दोनों परिवार से बातचीत हुई है और पुलिस द्वारा इसमें बिल्कुल पूरे परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, कुछ सस्पेक्टेड लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ हुई और प्रथम दृश्य घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। इसमें अभी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पूरी घटना का निवारण करते हुए जो सस्पेक्टेड अभियुक्त उनको गिरफ्तार किए जाए। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन जरूर दिया है कि इलाके में इस तरह से दहशत व्याप्त करने वाले बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मोंटी सिंह की बारात गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में 18 फरवरी को जानी है, लेकिन बारात जाती इससे पहले तो बदमाशों ने कांड कर दिया, दूल्हे के घर के बाहर पर्चे लिख कर पाट दिया है। हापुड़ एसपी मुकेश मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है, अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है, पुलिस पूरी तरह से दूल्हे और उसके परिवार के साथ है। यकीनन ये घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जो भी कोई इस घटना के बारे में सुन रहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर हल्ला मचा है। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने इस धमकी भरे खत को अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है। लिखा है, करिश्मा मेरी है, 18 फरवरी को शादी से पहले दूल्हे को धमकी, हापुड़ की घटना। अतुल कृष्ण नाम के यूजर ने लिखा, कान खोल कर सुन, ऐसी खतरनाक धमकी हापुड़ या मेरठ से ही आ सकती है। पत्रकार अमित चौधरी ने लिखा, हापुड़ सिरफिरे युवक ने दूल्हे पक्ष को लिखा धमकी भरा पत्र, बारात लेकर आने पर शमशान बनाने की सीधी धमकी दूल्हे के घर की दीवार पर चिपका दी। हापुड़ जिले के सिंभावली थाना इलाके का मामला। ग्रामीण नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे ही आशिक फिर पार्किंग में गार्ड से पिटते पाए जाते हैं,
कल्पना पांडे ने मजे लेते हुए लिखा, अब करिश्मा ही कोई करिश्मा कर सकती है। इंडियन नाम के यूजर ने सनी देओल की फिल्म जीत को याद कर लिखा, लगता है भाई सनी देओल का फैन है। आमिर उस्मानी नाम के यूजर ने लिखा, लगता है आशिक गुंडा और बेरोजगार है, तभी लड़की वाले कहीं और शादी किए दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। लोग लगातार इस बारे में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से दूल्हे जयसिंह को धमकी दी गई है, आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होने के बाद भी जयसिंह करिश्मा से अब जिंदगी में कभी भी शादी रचा पाएगा, या फिर जयसिंह की ऐसी खतरनाक धमकी के बाद शादी ही रचाने की हिम्मत कर पाएगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।